कैसे हो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मॉन्स्टर हंटर के एक और एपिसोड पे। तो आज का एपिसोड मैं पहले ही तुमको बता दूं, फुल ऑन ग्राइंडिंग होने वाली है, कांटे से कांटे की टक्कर। समझ ही सकते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नरगी कांटे की। तो एज़ यूजुअल मैं पहले ढूंढता हूँ कि कोई और नरगी कांटे का क्वेस्ट कर रहा हो क्या। लगता है कोई है नहीं, असाइन में भी देखता हूँ, इसमें भी कोई नहीं है, तो इसलिए मैं खुद ही से नरगी कांटे का क्वेस्ट स्टार्ट करूँगा और देखूंगा कि कोई हेल्प करने आता है कि नहीं। मैंने दो तीन अलग तरह के वेपन ऑफ स्क्रीन ट्राई करे थे नरगी कांटे के लिए, और सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल वेपन जो मुझे लगा वह है चार्ज ब्लेड, क्योंकि डिफेंसिव ऑप्शंस भी थोड़े बहुत थे और ऑफेंसिव भी ठीक ठाक ही थे। इंसेक्ट ग्लेव फुल ऑन ऑफेंस था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम मुझे डॉज करना पड़ रहा था। ऐसा कोई मोमेंट नहीं था जो कि मुझे अलाउ करे कि अटैक को मैं हेड ऑन ले सकूं और उसके बाद तुरंत ही मैं एक्शन में फिर से घुस सकूं। चार्ज ब्लेड का यूज़ करने पर हल्के से ब्लॉक के बाद मैं फिर से एक्शन में घुस सकता हूं, मॉन्स्टर से डिस्टेंस ज़्यादा होता नहीं है। तो एज़ यूजुअल मैं शुरू करूँगा अपना क्वेस्ट एक मील से, और मील होते ही एक फ्लेयर फायर अप कर दूंगा मैं, इस उम्मीद से कि एटलीस्ट कोई ना कोई फ्लेयर को देख करके मेरी हेल्प करने आए। बट एनी हाउ, चल लेता हूँ नरगी कांटे की तलाश में। एज़ यूजुअल उसका लोकेशन एक ही जगह पर रहता है, तो ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत है नहीं। और यहाँ से ही वो दिख चुका है, दूर से देखने पर ऐसा लग रहा है कोई बिल्ला अपने पैर साफ कर रहा हो, उसका बिहेवियर ऐसा ही है। खैर, होपफुली वॉल बैंग लगेगा, और नाइस वॉल बैंग। मौका लेके टेंडराइज कर देता हूँ मैं। बाटलियां भर लेता हूं, बुरा अटैक था वो। बिल्ली ने हील दे दी। पहले वाले अटैक से तो मैंने डॉज कर लिया, लेकिन उसका जो फॉलो अप अटैक था उससे बच नहीं पाया। सैवेज आग से हो चुका है शुरू, और चार्ज करने लगता हूं उसकी तरफ। अभी बहुत ही बेकार हिटबॉक्स था वो। और ये एम्प एलिमेंटल डिस्चार्ज थोड़ा दूर जाऊंगा, और मौका रहते ही हील कर लेता हूं। नाइस, विंग डैमेज लग चुका है मुझे। वेपन शार्प कर लेता हूँ मैं तब तक, और होपफुली मेरा बिल्ला तब तक नरगी कांटे को संभाल ले, और शायद नहीं।
इसके हल्के से छू देने पर ही मेरी बहुत ज्यादा हेल्थ खत्म हो जा रही है। नाइस डॉज। और ऐसा लग रहा है कि ये टाइप बम मारने वाला है एज यूजुअल। काफी देर कर दी मैंने। एक और हील। इसके एक अटैक के चार तरह के इफेक्ट्स हैं। ग्राउंड ट्रेमर्स, विंड इफेक्ट, मैंने ब्लॉक तो किया था वैसे, लेकिन बहुत ही बुरे टाइम पे गार्ड पॉइंट लग गया। जितना सोचा था मैंने क्वेस्ट इतना स्मूथ जा नहीं रहा है। इससे पहले वाले रन्स तो आई मीन कंपैरेटिवली काफ़ी स्मूथ गए थे, बट ठीक है, मैनेज करके देखते हैं। चढ़ चुका हूँ मैं इसके ऊपर। तो यार अगर नोटिस कर रहे होगे नरगी कांटे के कुछ जो कांटे हैं वो पूरे ब्लैक कलर के हैं और कुछ कांटे जो है वो वाइट कलर के हैं। इसका मतलब ये है कि जो ब्लैक वाले कांटे हैं वो फुल ग्रोथ प्लेट्स हैं, मतलब कि वो पूरी तरीके से ग्रो हो चुके हैं, और जो वाइट वाले हैं वो ग्रो होना शुरू हुए हैं या फिर ग्रो हो रहे हैं। तो जब भी नरगी कांटे का कोई भी प्लेट टूट तोड़ते हो तो उसकी जगह नए प्लेट्स आना शुरू हो जाते हैं। नाइस। शार्पनेस फिर से डल होने लगी है। मारना मत। इसके रोड को मैंने ब्लॉक कर दिया। ओके, टाइप बम मारने वाला है मेरे पे। उसको भी गार्ड पॉइंट। नाइस। विंड प्रेशर था वो, अगर तुमने नोटिस किया तो। डैमेज अभी ऑरेंज आ रहा है क्योंकि उसके रीग्रोथ प्लेट्स जो है वो टूट चुके हैं। जैसे ही वो ऊपर उठा मुझे लगा कि ये शॉट मिस हो जाएगा, बट नाइस। ऊपर उठते ही वो जैसे ही नीचे आया उसी टाइम पे सुपर एम एलिमेंटल डिस्चार्ज लगा उसको, तो शॉट सक्सेसफुल रहा। नरगी कांटे हो चुका है कमज़ोर और होपफुली एक वेकअप हिट दे सकता हूँ मैं। जैसा कि देख सकते हो मेरी बाटलिया जो है वो अभी येल्लो पर है, मतलब अगर मैं उनको चार्ज करता हूँ तो पूरे पांचों के पांच फुल नहीं होंगे, बट जितने भी रहेंगे उनसे अच्छा खासा डैमेज डील हो सकता है। तो तूफानी बिल्ला यहां पर सो रहा है।
मेरे को लगा नहीं था वो शॉट उस पर लगेगा, तो वेकअप हिट सक्सेसफुल नहीं रहा। ओके, ये पागल हो चुका है अभी। तो चांसेस है कि मैं इसको एटलीस्ट एक बार ऑल बैंक दे सकूं। नाइस। अरे यार, इसके प्लेट्स हार्ड हो चुके हैं, तो इसका मतलब यह है कि मेरे अटैक्स इसके ऊपर से बाउंस हो जाएंगे। नाइस। और नरगी कांटे खत्म। तो अभी और भी मल्टीपल हंट्स करने वाला हूँ मैं नरगी कांटे के, तो बने रहो मेरे साथ। कोशिश यही रहेगी कि मैं चार्ज ब्लेड ही यूज़ करूँ, क्योंकि अब तक तो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज मेरे को यही लग रहा है जितने भी हंट्स कर रहा हूँ नरगी कांटे के। लॉन्ग शॉट अच्छा है, लेकिन उतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज है नहीं, क्योंकि इवेजन ऑप्शन ज़्यादा है, लेकिन डिफेंसिव ऑप्शन जैसे तुमने कुछ देर पहले देखा होगा, उसके अटैक्स को ब्लॉक करके मैं तुरंत ही एक्शन में घुस गया था। तो लॉन्ग शॉट में थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो जाता है, और लॉन्ग शॉट से खेलते खेलते ये समझ नहीं आता कि फोरसाइट कब करना है और डॉज रोल कब करना है। समझ तो आता है, लेकिन मॉन्स्टर की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए उसके लिए। और ऐसे बहुत सारे मॉन्स्टर है गेम में जिनकी मूवसेट की मुझे अच्छी नॉलेज है नहीं, और उनमें से एक नरगी कांटे है। तो फिर से देखता हूँ जॉइन क्वेस्ट में अगर कोई है कि नहीं। लगते तो नहीं है। ठीक है, फिर से ही ट्राई करता हूँ मैं। ऑप्शनल क्वेस्ट, ईटर्स ऑफ द एल्डर्स। और चार्ज ब्लेड की एक और खास बात है कि एक ही बार में टेंडराइज हो जाता है कोई भी बॉडी पार्ट, और लॉन्ग शॉट में ऑलमोस्ट सेम ही टाइम का एनिमेशन है, लेकिन लॉन्ग शॉट में फिर से दो बार टेंडराइज करने पड़ते हैं, तो वो एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। चलो यार, फिर से चल लेते हैं नरगी कांटे के लिए। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि मुझे नरगी कांटे के पूरे आर्मर सेट को क्राफ्ट करना पड़े। कोई भी तीन पीसेस अगर मैं क्राफ्ट कर लूँ तो मुझे नरगी कांटे का स्किल बोनस सेट मिल जाएगा, जो कि है जब तक मैं अटैक करता रहूँ मॉन्स्टर को तब तक मेरा हेल्थ जो है वो रिकवर होता रहेगा। एज यूजुअल नरगी कांटे के इलाके पे। होपफुली इस बार वो रोर ना करे। ऑफ कोर्स। इस बार गलत जगह पर मैंने ग्रैब कर लिया। एक और बार और बॉल बैक। नाइस, मौका रहते ही इसके सर पे ग्राफ करता हूँ, और ये हो चुका है टेंडराइज। डॉच रोल।
नाइस, शील्ड हो चुकी है चार्ज। अरे यार, मुझे लगा था शॉट मिस नहीं होगा, बट कोई बात नहीं। नाइस, बिल्ले ने कर दिया है पीस को पैरालाइज, और यही मौका मैं लूंगा इस पर डैमेज देने के लिए। अभी तक ये स्टन क्यों नहीं हुआ? टॉक ऑफ द डेविल, यही टाइम है इसको दिया मैंने एलिमेंटल डिस्चार्ज, और यही टाइम रहते ही मैं कर लेता हूँ वेपन को शार्प है। लेकिन थोड़ा दूर जाके मुझे नहीं लगा था वो इतनी जल्दी उड़ जाएगा। बढ़िया शॉट था वो। सैवेज एक्स चालू करता हूं। बुरी टाइमिंग, शॉट मिस, ब्लॉक। अरे डाइव बॉम्ब देने वाला है मेरे को, और इसको भी मैंने कर दिया ब्लॉक। सैवेज एक्स शुरू, पूरा 360 घूम गया वो। वेपन शार्पनेस फिर से खत्म हो चुकी है यहाँ पे, लेकिन एटलीस्ट इस वाले चार्ज के खत्म होने तक इसी शार्पनेस से मैं इसको मारता रहूंगा। और ये हो चुका है, ये बंदा कमजोर। नाइस, लेकिन एक दिक्कत है कि वेकअप हिट देने के लिए मेरे पास चार्जेस बचे नहीं है, तो कोशिश करूंगा कि वेकअप हिट की जगह मैं इसको वॉल बैंक कर सकूं। ओके, हाँ, इर्द गिर्द देखकर इसके इतना लगता नहीं है कि वॉल बैंक के ज्यादा चांसेस है, फिर भी Here goes nothing. लेकिन ये ऑलरेडी गुस्से में। नाइस, और ये आ गया वॉल बैंक, यही मौका लूंगा। लेट हो चुका है चार्ज, नर्गी गांडे खत्म। काफी जल्दी क्वेस्ट कंप्लीट किया मैंने, देखते कितने मिनट में। 6 मिनट 18 सेकेंड्स, नॉट बैड, बुरी टाइमिंग नहीं है एटलीस्ट एक हाई रैंक हंट के लिए। इनफैक्ट कुछ लोग जो स्पीड रनिंग करते हैं और जो अपने आर्मर बिल्ड्स को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज करते हैं, वो इस मॉन्स्टर को इससे भी कम टाइम के अंदर फिनिश कर सकते हैं। मैंने स्पीड रनिंग ज़्यादा किया नहीं है, इनफैक्ट बहुत ही कम मॉन्स्टर्स के साथ मैंने स्पीड रनिंग करी है,
नगी गांटे उनमें से एक है, लेकिन वो स्पीड रनिंग चार्ज ब्लेड से नहीं था, वो था इंसेक्ट ग्लेव से, और एक बार था ग्रेट स्वॉर्ड से। और बेस्ट टाइमिंग स्पीड रनिंग का अभी के टाइम से ज़्यादा कम नहीं है, जैसे कि ये था 6:18 का। लास्ट स्पीड रन जो मेरा नरगी गांटे का था वो था एटलीस्ट 5:00 का, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और तुम ये भी सोच सकते हो उस टाइम मेरा आर्मर भी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज था, तो इतना खास स्पीड रनर हूँ नहीं मैं। और जब मैं बोलता हूँ आर्मर ऑप्टिमाइजेशन, इसका मतलब यह है कि सिर्फ हाई रैंकिंग का आर्मर ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि तुम्हें पता चलेगा इससे भी ऊपर एक और रैंकिंग है जो स्पॉयलर्स में आएगा, जिसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, जिसमें और भी खतरनाक मॉन्स्टर्स आते हैं। रैथलोस का भी स्पीड रनिंग वगैरह मैंने किया है, लेकिन वो भी इतना खास नहीं है। इनफैक्ट लोग रैथलोस को 1-2 मिनट के टाइम पे हराते हैं, वो मैं नहीं कर सकता। फोर्ज इक्विपमेंट आर्मर नरगी गांटे का और दो मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसमें है अटैक बूस्ट और इसमें है मैक्सिमम माइट। तो सबसे पहले मैं अटैक बूस्ट अनलॉक करता हूँ और इसको कर लूँगा मैं इक्विप। तो अब एक ही बचता है यार, और इसके लिए मुझे चाहिए नरगी गांटे कैरापेस। तो एक और हंट और होपफुली अपने पास सारे इक्विपमेंट्स या फिर सारी वो चीज़ें आ जाएंगी जिसकी मुझे ज़रूरत है। तो मैं करता हूँ चेंज इक्विपमेंट, देखता हूँ मेरे डेकोरेशंस में वो चीज़ें होंगी कि नहीं। सेट डेकोरेशंस, करेंट इक्विपमेंट, स्किल्स देखता हूँ मैं। अभी मेरे पास है हेल्थ बूस्ट सिर्फ लेवल 1 का, तो मुझे और दो हेल्थ बूस्ट चाहिए। वाइटैलिटी ज्वेल, एक और वाइटैलिटी ज्वेल जो कि मेरे पास है नहीं। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि डिफेंस थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा कम लाइफ रहने से भी चलेगा। डेफलॉक, एंटी पारा, थंडर रेजिस्टेंस, एक अटैक ज्वेल भी इक्विप कर ही लेता हूँ। ठीक है यार, तो इन दो ज्वेल्स को लेकर के चल लेते हैं नरगी गांटे के क्वेस्ट पे। होपफुली ये लास्ट क्वेस्ट हो, और एक बार फिर से उम्मीद लेकर के देखता हूँ ज्वाइन क्वेस्ट में कुछ रहता है कि नहीं। असाइंड, नहीं, ऑप्शनल नहीं, इवेंट्स नहीं, ठीक है पोस्ट ही करेंगे। और लास्ट टाइम शायद मैं भूल गया था कि मैं SOS फ्लेयर डालूं, इस बार फिर से SOS फ्लेयर डाल के देखता हूँ, होपफुली कोई मिल जाए, ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं। एज यूजुअल हमेशा की तरह सबसे पहले मैं कर लूँगा मील। Pay with money, chef choice platter, nice, meal हो चुका है, डन। चल लेते हैं नरगी गांटे के हंट पे। ये मैं क्या कर रहा हूँ, एज़ यूजुअल कांटे वाला बिल्ला अपनी गुफा में रहेगा, और एज़ यूजुअल मैं उसको करूँगा एक फ्लिंच शॉट, मतलब वॉल बैंक, और फिर होएगा हंट शुरू। होपफुली पहले की तरह कम टाइम में मैं हंट फिनिश कर सकूँ। ओके, हेड बैंक, एक और, और ये वॉल बैंक, ओन मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं।
हेल्थ हो चुका है मेरा कम। तो यार अगर तुम देख सकते हो तो मेरी हीलिंग की जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो गई होगी, क्योंकि पुराने वाले आर्मर में रिकवरी स्पीड का एक पैसिव स्किल था और वो हटाने पर वो स्किल भी हट गया। एकदम ड्रैग करके ले गया वो। सैवेज एक्स शुरू। अच्छे टाइम पे डॉज कर दिया मैंने। नाइस वन बिल्ले। तो यार ऑलरेडी शार्पनेस कम होने लगी है। एक और हिट और इसी के साथ एलिमेंटल डिस्चार्ज। थोड़ा डिस्टेंस लूंगा मैं और कोशिश करूंगा कि अपने वेपन को शार्पन कर लूं। नोप, नहीं। मौका ही नहीं दे रहा ये। ओके, बिल्ला काम पे लग चुका है तो मौका लेते ही राइट वेपन हो चुका है शार्पन। एक्शन में फिर से कूद जाते हैं। सबसे पहले इसकी पूंछ को करूंगा मैं टेंडर। अरे गलत टाइम था, खुद को मैंने हील नहीं किया और मेरे पास मेगा पोशन हो चुके हैं खत्म। बहुत ही सही टाइम पे सुपरमैन डाइव। माइक्रो पोशन भी करी मुझे करना पड़ेगा अपने हेल्थ का भरपाया और इसके ऊपर मैं चढ़ चुका हूं। नाइस। तो ऐसे टाइम पे जब पोशन वगैरह ख़त्म हो जाते हैं तब एक बार इकोलॉजिकल रिसर्च या फिर चीफ बोटानिस्ट के पास चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें याद होगा कुछ चीज़ें हम लोग हार्वेस्टिंग बॉक्स पे डाल सकते हैं और लास्ट टाइम मैंने हनी वगैरह डाला था हार्वेस्टिंग बॉक्स पे। तो अगर वो पूरा बन चुका होगा तो चांसेस है कि वहाँ से हनी वगैरह ले करके अलग से बिना फार्म के वहाँ से हनी वगैरह ले करके मैं अपने लिए मेगा पोशन क्राफ्ट कर सकता हूँ। तो लास्ट बार की तरह जल्दी कमज़ोर नहीं हुआ ये। खैर कोई दिक्कत नहीं, चल लेते हैं इसके पीछे। वेपन भी थोड़ा शार्पन कर लेते हैं। शार्पन ज़्यादा लॉस हुआ नहीं था बट फिर भी। एग्रो नहीं है तो इसको फ्लिंच शॉट देने की कोशिश करता हूं। नाइस। सैवेज एक्ट शुरू। कैसे, मुझे लगा था मैंने सैवेज एक्ट शुरू किया था। खैर कुछ भी हो, सुपर एम्प एलिमेंटल डिस्चार्ज। नाइस। नहीं 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 नहीं, वो चार्ज मुझे सेव कर लेना चाहिए था उसको वीकअप हिट देने के लिए। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं। बाटलियां धीरे धीरे कम होने लगी है और ऐसा लग रहा है उस तक पहुंचते पहुंचते उसको वेकअप हिट में नहीं दे पाऊंगा।
अगर सारी बाटलियाँ ख़त्म होती है तो एज़ यूजुअल उसको वॉल बैंग ही करना पड़ेगा। सिर्फ दो बचते हैं और चलते चलते एक बच जाएगा, और मुझे नहीं लगता वहाँ पर उसको वेकअप हिट देना समझदारी होगी, तो वॉल बैंग ही ट्राई करते। मैं भूल ही गया था उस स्टेज में, फाइनल स्टेज में उसको वॉल बैंग में दे नहीं सकता। खैर, मैं उसके आसपास भी नहीं था, फिर भी मुझे पता नहीं क्यों हिट लगा वो। और मुझे ये भी समझ नहीं आया क्यों, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने उस मच्छर को हिट किया था या फिर उस फायरफ्लाई को हिट किया था, तब वो स्टन हो गया था। खैर, कोई दिक्कत नहीं, तो देखता हूँ यार मेरे पास मैक्स पोशन होगा कि नहीं। आइटम बॉक्स में जाके चेक करता हूँ। ओके, क्राफ्टिंग बॉक्स पे होपफुली अगर मैक्स पोशन मुझे मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। मेगा न्यूट्रिएंट्स मिल चुके हैं तो इससे लाइफ थोड़ी और बढ़ सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, इनसे ग्लेव से ही खेल लूँगा क्योंकि लास्ट स्टेज है और मुझे नहीं लगता कि लास्ट स्टेज है तो बड़ा डैमेज ही देना सही रहेगा, तो ग्रेट स्वॉर्ड ही लेके जाता हूँ। एक बार मुझे चीफ बोटानिस्ट के पास चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा रहा तो और आगे आने वाले हंट्स में मेरे पास हील करने के लिए कुछ होगा नहीं। पर यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जो होना नहीं चाहिए था। जैसे ही उसने वो एयर ड्राइव मारा, वो एयर ड्राइव मेरे पर था भी नहीं, बट फिर भी मुझे हिट लगा, पता नहीं क्यों। अगर वो एरिया ऑफ इफेक्ट वाला अटैक था तो मैं तो कहूँगा कि बहुत ही बुरा डिज़ाइन चॉइस था उस अटैक को एरिया ऑफ इफेक्ट अटैक बनाने के लिए, क्योंकि यूजुअली उसका डाइव बॉम्ब जो है वो एरिया ऑफ इफेक्ट नहीं रहता, लेकिन ये स्पेसिफिक डाइव बॉम्ब जो है वो एरिया ऑफ इफेक्ट अटैक था। एडमेंट सील्ड अगर मैं खा लूँ तो मेरा डिफेंस थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो लगता है मैं तैयार हूँ, होपफुली एक वेकअप हिट दे सकूँ मैं इसे। एक बार फिर से पोजीशन लेनी पड़ेगी। बढ़िया हिट था यार। अब इसको मैं वॉल बैंग भी कर दूंगा इसी टाइम पे, क्योंकि इसकी पोजीशनिंग बहुत सही है, और इसी के रहते, अरे यार एनवायरमेंटल डैमेज। खैर, कोई दिक्कत नहीं, हिट लगने ही वाला था, उसने दहाड़ दिया। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये डाइव बॉम्ब मारने वाला है। और नरगी कांटे खत्म। एकदम परफेक्ट हेडशॉट था वो उस मौके पे। होपफुली इस बार मैं हेलमेट भी क्राफ्ट कर सकूं।
वैसे लूट में तो नरगी गांटे कैरापेस मुझे मिला नहीं, बट होपफुली क्वेस्ट एंड की जो लूट रहती है उसमें दो कैरापेस मुझे मिल जाए तो नरगी गांटे के हंट्स ख़त्म और हंट करने की ज़रूरत नहीं। एक कैरापेस, दूसरा कैरापेस, नाइस। तो इसी की तलाश थी यार, ये मिल चुके हैं मुझे और इसके हिसाब से मेरा आर्मर हो जाना चाहिए पूरा। तो चलते स्मिथी के पास और क्राफ्ट कर लेते अपने लिए नगी गांटे का फाइनल आर्मर। फोर्ज इक्विपमेंट, वेप आर्मर और ये रेडी है। हेस्ट इन रिकवरी और नरगी गांटे संगर मैक्सिमम माइट, नाइस। तो मुझे एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, नरगी गांटे ए में मुझे एक पॉइंट अटैक बूस्ट और दो पॉइंट मैक्सिमम माइट मिल रहे हैं और यहाँ पर दो स्लॉट्स मिल रहे हैं। स्लॉट्स बेटर रहेगा क्योंकि अगर मान लो मैं थोड़े से ट्विकिंग्स करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। तो यार नरगी गांटे का पूरा आर्मर तैयार है, देखता हूँ मेरे पास ज्वेल्स में कुछ होगा कि नहीं। करेंट इक्विपमेंट, वाइटैलिटी ज्वेल कर लेता हूँ मैं इक्विप और एंटी पैरालिसिस ये ज्वेल भी मैं कर लूँगा इक्विप। और ऐसा कुछ खास ज्वेल है नहीं मेरे पास, तो यार अब मैं करना चाहूँगा कुछ ज्वेल्स वगैरह फार्म। तो ज्वेल्स वगैरह फार्म करने के लिए होते हैं इन्वेस्टिगेशंस, और इन्वेस्टिगेशंस को सिलेक्ट करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा इनके पास। तो अगर मैं क्लिक करूँ मैनेज इन्वेस्टिगेशंस पे तो यहाँ पर काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेशंस आ जाएंगे, तो मैं देखूँगा बाई स्पेशल रिवॉर्ड्स। तो ये जो है जिसमें गोल्ड और सिल्वर है उसमें सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए, और क्योंकि मैं हाई रैंक पे आ चुका हूँ तो हाई रैंक पे ही डेकोरेशंस वगैरह अनलॉक होते हैं, तो इसलिए मैं हाई रैंक के ही क्वेस्ट करूँगा। सबसे पहले लेते हैं डोडोगामा का, दूसरा लेते हैं टिट्सियाकू का और डोडोगामा का एक और, राइट। तो ये तीन क्वेस्ट करने निकलते हैं और होपफुली इन इन्वेस्टिगेशंस में मुझे कुछ नए डेकोरेशंस वगैरह मिल जाए। पहला है डोडोगामा, ग्रेट ग्रेट स्वॉर्ड, चॉइस बुरा नहीं है, ग्रेट स्वॉर्ड ही लेकर चलते हैं। काफ़ी टाइम हो गया ग्रेट स्वॉर्ड से हंट करे हुए, वैसे काफ़ी टाइम हुआ नहीं है, लास्ट एपिसोड में कुछ हंट्स ग्रेट स्वॉर्ड के थे। इनफैक्ट नरगी गांटे को इस एपिसोड में ग्रेट स्वॉर्ड से हंट करा था, बट ठीक है। एकदम परफेक्ट एरिया पर ड्रॉप कर दिया है, मुझे नहीं लगता मीन लेने की कोई ज़रूरत भी है कि डायरेक्ट ही मैं एक्शन पे उतर सकता हूँ। और इसको मैं कर दूंगा एक बार वॉल बैंक, नाइस। इसके सर को करूंगा मैं टेंडराइज, और ये गजालकाज अपने हरकतों से बाज नहीं आएंगे। ओके, यार बहुत बुरे टाइम पे मुड़ता है और मेरे अटैक्स उस पर लग नहीं रहे, पता नहीं क्यों। तुम सोच रहे होंगे मैंने वो क्यों किया, मैंने वो जानबूझ कर किया क्योंकि वो सो गया था और मैं इसको देना चाहूंगा एक वेकअप हिट जो कि डबल डैमेज देता है। और रैथलॉस यहां क्यों आया यार, वेकअप हिट फेल, शिट।
यार आज किस्मत ही मेरी खराब है। और ऐसा लग रहा है रैथलोस ही खत्म करेगा इसको। अच्छा वो टारगेट हम पे नहीं था। और इस बार टारगेट मुझे था। नाइस। नाइस शॉट डोडो गावा। लेकिन यार मैं हो चुका हूं यहां पर तक। दो मॉन्स्टर के बीच में मैं फंस चुका हूं और खत्म। मैं बहुत ही 1 HP पे बचा हूं। मैं तो टाइम लेते ही खुद को मैं कर लूंगा हील। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है रैथलोस ही डोडो गावा की बजा देगा। इसके रास्ते से निकल गया मैं। चिल शूम कर लिया है मैंने, कलेक्ट पी लेता हूं मैं कोल्ड ड्रिंक और लग जाते काम पे। नाइन का डैमेज, नॉट बैड। इनफैक्ट बहुत ही अच्छा डैमेज था। एक आउट, बहुत ही बुरा मिस, बहुत ही बुरा मिस। नाइस शॉट। वो ही प्रोबेबली कुछ 900 के रेंज में डैमेज किया होगा। तो यार डोडोगामा का हंट इसके पार्ट्स के लिए मैं कर नहीं रहा हूँ। बेसिकली मुझे देखना है कि इसके इन्वेस्टिगेशन रिवॉर्ड्स मुझे क्या क्या मिलते हैं, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर यूजुअली सिग्निफाई करते हैं कि कुछ ज्वेल्स वगैरह मिले इन्वेस्टिगेशन रिवॉर्ड्स में। रैथलोस को मैं नीचे गिराऊंगा, भले ही क्वेस्ट खत्म हो चुका है। रैथलोस मुझे डैमेज नहीं दे सकता, लेकिन मैं उसको जरूर दे सकता हूं। रैथलोस मेरे पे वो अटैक बस स्पैम किए पड़ा था। ओके नाइस। तो यार हंट हो चुका है खत्म। देखते हैं रिवॉर्ड्स में क्या मिला है। ऑल राइट, लग नहीं रहा कि कोई ज्वेल्स वगैरह रिवॉर्ड पे मिले हैं इस बार। खैर कोई दिक्कत नहीं। गोल्डन और सिल्वर से जरूरी नहीं है कि हमेशा ज्वेल्स ही मिले, कभी कभी मॉन्स्टर के रेयर पार्ट्स वगैरह भी मिल सकते हैं। चलो यार वो सब जाने देते हैं, चलते हैं अभी रॉटन वेल में ट्रैक्स वगैरह सर्च करने के लिए। लेकिन पहले बात कर लेते हैं हंट्समैन से। गुड वर्क, इंप्रेसिव, आई बाउ टू योर स्किल। बेस्टिंग थियोस्ट्रा इज नो ऑर्डिनरी हंटर्स फीट। टुडे यू स्टैंड अमंग द ट्रूएस्ट एंड द फाइनेस्ट इन आवर फील्ड एंड आई कंसीडर इट एन ऑनर to know you. We hunters must treasure our equals and rivals. The spirit of the spirit of competition is what drives us to shine brighter. I'm thankful. The dents in my armor reminds me of the past, but a shining star like you shall guide me to the future. काफी अच्छा भाषण था। इनसे बात करके देख सकते हैं। एक्साइटेबल ए लिस्टर, देखते हैं क्या कहता है। वर पेन इन द एस्टलॉस, द शेफ आस्क्ड मी टू मेक दिस डिलीवरी बट
यू विल डू इट फॉर मी रियली, ये मैंने कब कहा? दैट्स टोटली रैड ए लॉस। इसके पन वगैरह बहुत ही अजीब रहते हैं। दैट्स टोटली कुछ भी हो, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। इट्स अ रिक्वेस्ट टू गेट सम फैटी टमाटोज, गेट सम एंड शेफ विल ऐड देम टू द इंग्रेडिएंट लिस्ट। ठीक है, तो लग रहा है कुछ नए इंग्रेडिएंट्स की बात चल रही है इधर पे। और एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ कि पूरे गेम में जो हेल्थ और स्टेमिना बार है वो 50% से ऊपर खाने के बाद जाते नहीं है, आई मीन 50 पॉइंट से ऊपर नहीं जाते खाना वगैरह खाने के बाद। तो जो भी क्वेस्ट के लिए उसने रिक्वेस्ट करा होगा वो सब रिक्वेस्ट सिर्फ बाकी पैसिव स्किल्स को बढ़ाता होगा, जैसे कि डिफेंस वगैरह जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता होगा, या फिर डिफेंस मे बी ऑफेंस मे बी एलिमेंटल रेजिस्टेंस, ऐसा कोई ना कोई एक ऐसा स्किल जो हेल्थ बूस्ट और स्टैमिना बूस्ट के बाद कोई दूसरा पैसिव स्किल भी प्रोवाइड करे। यार पहुंच चुका हूँ मैं रोटन वेल पे। खाना वगैरह मैं खाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ पर ट्रैक्स वगैरह सर्च करने हैं और किसी मॉन्स्टर से लड़ना नहीं है। और मिल चुके हैं मुझे अपने पहले ट्रैक्स, जो कि कोई तो भी नए एल्डर ड्रैगन के होंगे। इन गजल अकाश का म्यूजिक शुरू हो चुका है तो मैं इनके पास नहीं रहना चाहता। ओके, म्यूजिक खत्म, चलते फिर से अपने रास्ते पे। रास्ता यही था, मैं इधर से भी आ सकता था। ओल्ड फुटप्रिंट कहीं तो भी मुझे ऐसा दिखाया। नाइस, ये ओड वगैरह उनके फुटप्रिंट्स है लेकिन मुझे कलेक्ट करने है सिर्फ ब्लू फुटप्रिंट्स। नाइस, थोड़े और ये देखो यार, यहाँ पर है डेविल जो। तो मैं पहन लेता हूँ अपना गिली मैंटल, क्योंकि अगर ये पीछे पड़ गया तो जल्दी से पीछा छूटता नहीं है। देख सकते हो कितना ज्यादा हैवी मॉन्स्टर है ये। यही रीजन है इसको फूड चेन डिनोमिनेटर बोला जाता है। तो ये डेविल जो के टूथ के निशान है उनको मैं करता हूँ इग्नोर और चल लेता हूँ मैं इनकी तलाश में, एल्डर ड्रैगन की। इसने मुझे नहीं देखा, ये गिरोस पर अटैक कर रहा है बेसिकली। और ओडोगेरोन और ये डेविल जो एक साथ अभी मिलने वाले हैं और मुझे नहीं लगता इसका अंत अच्छा होने वाला है। अरे बाप रे, इनके बीच में टर्फ वॉर हो चुकी है, देख सकते हो यार। और डेविल जो इसको एक खिलौने की तरह उठा करके उसको खा भी नहीं रहा, उसको एक जगह पर बस पकड़ के खेल रहा है। जैसे कुत्तों को देखा होगा तुमने स्टफ टॉयज की तरह, स्टफ टॉयज को उठाकर जिस तरीके से खेलते हैं। खैर है नहीं आओ, आगे चलते हैं, देखते हैं और एल्डर ड्रैगन फुटप्रिंट्स मिलते हैं कि नहीं। यहाँ पर एक और अंकल है और ये मछुआरे लग रहे हैं। नाइस,
इसे कहते रिसर्च, मछली पकड़ के फिर से छोड़ दिया। तो इससे बात मुझे अभी करनी नहीं है, मुझे करने हैं फुटप्रिंट सर्च और मैं वही करूँगा। और यार ये तुम देख सकते हो, लेगियाना की लाश पड़ी हुई है। इसके लिए एक ही मतलब हो सकता है या फिर दो मतलब हो सकते हैं। पहला कि जैसे कि मैंने बताया था कि इकोसिस्टम है ये एक, जो कि जिसमें जो निचला हिस्सा है वो है रॉटन वेल और जो ऊपरी हिस्सा है वो है नाम क्या था यार उस मैप का, रीफ करके तो भी कोरल रीफ, नहीं कोरल हाइलैंड्स। तो कोरल हाइलैंड्स और रॉटन वेल जो है वो एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा है, राइट? तो इसके दो मतलब हो सकते हैं, लेगियाना खुद मर के नीचे गिर गया होगा रॉटन वेल पे, या फिर रॉटन वेल के किसी शिकारी ने इसको हंट किया होगा। और जिस हिसाब से मुझे लगता है इसके सिर्फ दो ही शिकारी हो सकते हैं, या तो ओडोगेरोन या तो डेविल जो। इन लोगों को मैं ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि अगर इनको ख़त्म नहीं किया तो ये रेड मार्कर ख़त्म नहीं होगा, और रेड मार्कर ख़त्म नहीं हुआ तो फुटप्रिंट्स नहीं दिखेंगे। नाइस। और जैसा कि देख सकते हो यार, एफ्लुवियम जो है वो मेरी हेल्थ खाने में लगा हुआ है, जो कि बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। ओके, यहाँ पर और फुटप्रिंट्स हैं, लेकिन सबसे पहले मैं हनी चुरा लेता हूँ। नाइस। यहाँ पर काफ़ी सारे फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं, हो सकता है ड्रैगन करीब हो। Oh, nice. Let's go report to the ecological research team. तो अरे सेल्ड ड्रैगन की फुटप्रिंट्स भी हो चुके हैं कलेक्ट, चलते हैं वापस इकोलॉजिकल रिसर्च टीम के पास। Chief ecologist कहते हैं, Ah, there you are. I have news. We have determined that an elder dragon does indeed inhabit the Rotten Vale. The Thought Fleet has already given it a name, Valhazak. They attempted to study the target 20 years ago. Some 20 years ago, the Thought Fleet first observed a strange phenomenon involving the Vale's effluvium levels. It seems that with each elder crossing, the Vale's effluvium increases in density. I deduce that Valhazak is the one producing it. As for how, I need more data in order to properly answer that. Either way, I already told the Third Fleet Master that we confirmed their suspicions. Go talk to her if you like to know more. ठीक है यार, तो एक और एल्डर ड्रैगन मिल चुका है, तो उसको हंट करने के लिए पहले जाना पड़ेगा थर्ड फ्लीट मास्टर के पास। लेकिन उससे पहले मैं जाऊंगा स्मिथी के पास, देखूंगा कि वेपन्स को और मैं अपग्रेड कर सकता हूँ कि नहीं। तो हाँ, ऑफ स्क्रीन मैंने डुअल ब्लेड को भी थोड़ा सा और अपग्रेड कर दिया था, और ऑफ स्क्रीन मैंने डिफेंडर स्विच एक्स को भी थोड़ा और अपग्रेड कर लिया था। बेसिकली ये अपग्रेड कुछ खास नहीं है, बस जोरा मैकडोरोस को और दो तीन बार हंट करना पड़ा था मुझे, और उसी से मुझे ये अपग्रेड्स वगैरह मिले थे। शायद एक और इंडियन बंदा है साइड में, जैसे कि तुम देख सकते हो।
इस दुनिया का पापा पुश रिक्वेस्ट। खैर, सबसे पहले मैं जाऊंगा थर्ड फ्लीट मास्टर के पास। और इसके बाद चल देंगे एक नए एल्डर ड्रैगन पे। इट्स कॉल्ड वेलहजाक। ओके, टेंटेटिव नेम, ठीक है। रीजन बिहाइंड द एफ्लुवियम, ओके। फिर एट द बेस ऑफ द वेल वेयर एफ्लुवियम इज थिकेस्ट, ठीक है। तो यार बेस पे जाना है रॉटन वेल के, और जहां पर एफ्लुवियम थिकेस्ट होगा वहां पर लाइफ ड्रेन भी उतना ही होएगा। पर कोई दिक्कत नहीं, जिस काम के लिए आए हैं वो करके जाएंगे। तो सबसे पहले मैं कर लूंगा वेपन्स वगैरह चेंज, और क्योंकि काफी टाइम से मैंने ड्यूअल ब्लेड्स को हाथ नहीं लगाया, इस बार मैं लेके जाऊंगा ड्यूअल ब्लेड्स, क्योंकि जस्ट मैंने अपग्रेड किया है। और हो सकता है ये सबसे बड़ी गलती हो ड्यूअल ब्लेड्स अभी उठाने की, क्योंकि मे बी मॉन्स्टर जो है वो बेस्ट मैचअप ना हो ड्यूअल ब्लेड्स के लिए। स्काउट फ्लाइज कर चुके हैं अपना काम शुरू। इन द मीन टाइम मैं पावर अप्स वगैरह ले लेता हूँ। माइट सीड, नाइस। अब इन परिंदों को देख करके मिनी मैप जो है वो रेड हो चुका था। छुपने को गया लेकिन एक अटैक करने आया, ठीक है। अब शायद स्काउट फ्लाइज रास्ता दिखाए, नाइस। तो एक और रहता है, जब भी आसपास कोई मॉन्स्टर एग्रो होता है स्काउट फ्लाइज डर जाते हैं और वापस अपने जेब पे आ जाते हैं या फिर अपने लैंटर्न पे आ जाते हैं। यार इस एरिया को देख रहे हो, ऐसा लग रहा है किसी का पेट है और यहाँ पर लाशें भरी हुई है। वहाँ पर भी देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी हड्डियाँ हैं। ओके, शायद किसी का पेट है जो लाशों से भरा हुआ है। शायद मैं सही हो सकता हूँ, शायद गलत। उसने सूंघ लिया मेरे को लगता है। ओके, ये किसी का पेट नहीं है बल्कि लाशों में ही कोई लेटा हुआ है। ओके, अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगा था कुछ ज्यादा ही बड़ा ड्रैगन होगा वो। तो यार ये है इफ्लुवियम की डेंसिटी। कुछ ज्यादा ही भद्दा दिखने वाला ड्रैगन है ये। Valhazak. Nice. There it is. We did it.
डिजाइन भी एकदम इसका एकदम लाशों की तरह है। पोशन पी लेता हूं मैं। एक और बार कैप्टन लीवाई अटैक, लेकिन अनसक्सेसफुल रहा। कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करूंगा। और ये सक्सेसफुल ट्राई। तो इफ्लुवियम का इफेक्ट है कि वो मेरे हेल्थ को टोटल हाफ कर देगा, और हेल्थ हाफ होने के बाद मेरी हेल्थ इंक्रीज भी नहीं होगी। यार ये तो हैकिंग है यार। ऑफ कोर्स ये ड्रैगन मुंह से अपनी इफ्लुवियम छोड़ता है। अगर वहां पर मैं आ जाता मेरी लाइफ फिर से हाफ हो जाती। पूरे टाइम पे डॉज, फिर से कोशिश करूंगा। डायरेक्शन नहीं मिला। बढ़िया अटैक था वो। एक बार फिर से नाइस। थोड़ा हाई ग्राउंड लेने की कोशिश करूंगा, वही अटैक में फिर से कोशिश करूंगा। मुझे लगा था मेरी पोजीशन ही एकदम परफेक्ट है, बट ऐसा है नहीं। खैर कोई दिक्कत नहीं। समय रहते ही वहां से मैं निकल गया। और ये कर क्या रहा है? अरे ऐसे ब्लाइंड फायरिंग कौन करता है भाई? नाइस, टाइम पे कर लेता हूं मैं शार्पन। उसको फायर पॉट से भी कुछ नहीं हुआ। यार फिर से नहीं, अभी तो वो इफ्लुवियम से लिपटा हुआ है, अभी मैं उसको हिट भी नहीं कर सकता। सीरियसली नहीं 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 नहीं। हाँ, SOS फ्लेयर मैं कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस क्वेस्ट में मैं किसी की हेल्प लूँ। और इस क्वेस्ट में मैं हेल्प इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि पहला क्वेस्ट है और उसको खुद ही ख़त्म करना चाहूँगा मैं। वो गलती से हेल्थ पोशन पे क्लिक करते टाइम नहीं,
बहुत ही बुरा मैचअप है ड्यूल ब्लेड्स इसके लिए। पोजीशनिंग चेंज कर ली इसने। पर इसने मेरी हेल्थ भी कम कर दी और मुझे एफ्लूवियम भी चढ़ा दिया। नहीं यार, नहीं नहीं, मुझे ये नहीं करना। तो यार देख सकते हो मेरा स्टिक ड्रिफ्ट कितना ज्यादा हो रहा है। थोड़ा डिस्टेंस लेता हूँ और कोशिश करता हूँ खुद को हील करने की। नहीं नहीं, ड्यूल ब्लेड लाकर मैंने गलती कर दी, सही में गलती कर दी। इससे बेहतर इनसे ग्लेव लाना चाहिए था। पूरी टाइमिंग। मुझे ये समझ नहीं आया, इसके नीचे झुकते ही मुझे डैमेज क्यों चला। और यहाँ पर ये पूरा एफ्लूवियम फैला चुका है यार, देख सकते हो। मैं भाग भी नहीं सकता यहाँ से बिना डैमेज लिए। ये बहुत ही मजेदार अटैक था। टाइम रहते ही कर लेता हूं मैं शार्पन। बहुत ही बढ़िया डॉज। इसको डैमेज भी बहुत धीरे धीरे जा रहे और ड्यूल ब्लेड्स में मैं अपने अटैक से बच भी नहीं पा रहा। कहने का मतलब अपने अटैक्स को कैंसिल भी नहीं कर पा रहा। बढ़िया डॉज था वो, बढ़िया स्टन। टाइम रहते ही तो यार देख सकते हो जैसे जैसे मैं इसको हिट कर रहा हूं थोड़े थोड़े हेल्थ भी मेरी बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी फिर कम हो गई क्योंकि इसने एफ्लूवियम लगा दिया मेरे पे। ओह नाइस, थोड़े हर्ब्स मिल गए, चलो अच्छा है। पोशन ले लेता हूं मैं एक। थैंक्स बिल्ले। बढ़िया डॉज था वो। बेकार कोशिश।
पैसिव ड्रैगन, पैसिव डैमेज वाले ड्रैगन से मेरे को बहुत ज्यादा नफरत है यार। इनफैक्ट ये ड्रैगन तो और भी ज्यादा हो रहा है क्योंकि ये पैसिव डैमेज प्लस एनवायरमेंटल डैमेज दे रहा है मुझे। और पोशंस खत्म है मेरे पास, जितना है उसी से काम चलाना पड़ेगा। बच गया मैं। नाइस वन। एक और बार और ये हो चुका है कमजोर। तो यार मुझे नहीं लगता डुअल ब्लेड सही वेपन है इसके लिए, तो मैं नियरेस्ट कैंप में जाता हूँ और अपने वेपन्स चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि अगर इससे डुअल ब्लेड से लड़ा तो आइडिया बहुत ही बुरा है। लॉन्ग शॉट उठाऊंगा और चल दूंगा इसके पीछे, क्योंकि इसको देखकर लग रहा है कि इसके जितने भी मूव सेट है वो काउंटर्स पर बहुत ज़्यादा बेस्ड होंगे, और काउंटर्स के लिए जो बेस्ट वेपन है वो है लॉन्ग शॉट। हालांकि अभी टाइम है इसको वेकअप हिट देने का, लेकिन ना भी दे तो चलता है। पहुंचने से पहले थोड़ी फार्मिंग कर लेता हूं। लाशों के बीच सोया हुआ है ये, देख सकते हो यहाँ पे। तो इसको मैं कर सकता हूँ वॉल बैंक। दो, तीन, और ये बूम। नाइस। पहला स्पिरिट गेज फुल, दूसरा स्पिरिट गेज फुल, थोड़ी जल्दी मैंने फोरसाइट लगा दिया, और वेल हज़ाक खत्म। तो यार इसका डिजाइन देख सकते हो, बहुत ही अजीब सा डिजाइन है उसका। इसके शरीर का कुछ हिस्सा ऐसा लग रहा है कि मछलियों से बना है, कुछ हिस्सा नंगी मांसपेशियों से, और अगर मुंह का स्पेसिफिकली हिस्सा देखे तो ऐसा लग रहा है डीप सी क्रीचर्स जो होते हैं ना, एंजलर फिश वगैरह जो रहते हैं उनसे बने हुए हैं। खैर बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रैगन था ये। कुशाला डाउरा जितना एनोइंग तो नहीं कहूंगा, बट ऑल इन ऑल नाइस। फाइट में मजा आया, वो मैटर ज्यादा करता है। लूट भी अच्छी खासी मिली है इस बार, और शायद एक और वाइटैलिटी, हाँ नहीं क्राइसिस ज्वेल है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाइटैलिटी ज्वेल की इस बार थोड़ी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हेल्थ बूस्ट एकदम जीरो पे है मेरे पास। तो हैंडलर कहती है, ग्रेट जॉब आउट देयर पार्टनर, आई न्यू यू वुड पुल थ्रू।
We've made amazing progress research. लड़कियों का वॉइस ओवर करना थोड़ा मुश्किल है. We have made amazing progress researching the Elder Dragons, and Astera is buzzing with excitement. And everyone is saying it's all thanks to your hard work. But Bart, having said that, you see, guess who's back with a vengeance? Admiral, I'm back with a vengeance. All right, on time. My time, anyway. So, I hear you get to take credit for all the Elder Dragons. Not bad, not bad. I always knew you'd wreck shop. That's why the commander and I handpicked you in the first place. But I've got a little news to share myself. Remember how I said my old friend told me that he was going to track down a certain place brimming with energy? Well, he found it. He found it big time. So I was thinking about checking it out myself. Chances are, it'll explain why the Elder Dragons have all started going bonkers. Oh, and my friend had a message for you. I promised our path would cross again, and so they must. I shall not take the boat until you get here. All right. Hear that? That's a personal invitation, which means you're coming along. No ifs, ands, or Congalala butts. I'll let your handler figure out the rendezvous and rendezvous got to make it an official quest and all that. Now, don't go spilling the beans to the others. This is just between us. Okay, back to work. All you have to do is to sign up for the quest and show up. Don't be late. Handler, okay. कमांडर कहते हैं, Fine work, taking care of those Elder Dragons. With everything that transpired, we should send a word to the guild immediately. I'll have the captain ready a ship. However, it's still unclear why the Elder Dragons returned to the Elder's Recess. It's almost like they were drawn to it. Well, we'll just have to continue our research until we find the answer. Either way, I'll start compiling the information and... What's wrong? Something's on your mind? The Admiral's been making plans again? Has he? Where's that old devil going this time? तो यार Admiral ने कहा था किसी को बताने का नहीं, और अपने Hunter ने सबसे पहले जाकर के Commander को बता दिया. बहुत बड़ा snitch है ये. Wherever it is, I suppose now you're going too. You and your partner, huh? Understood. Well, all right. I'll handle things here. Just remember that whatever happens, your partner will always be there at your side to help you. And we'll be here too, waiting for you. Find what there is to find, but then promise you'll find your way back home. Hey, Peter, are you sure you want to go on that quest from the Admiral? एक और क्वेस्ट के लिए बोल रही है, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं समझ आता कि मुझे डेविल जो का क्वेस्ट क्यों नहीं मिला. इनसे बात करके देखते हैं, और ये लोग कुछ बोल नहीं रहे. क्योंकि लास्ट टाइम अगर तुम्हें याद होगा तो कोई तो भी ब्लू कलर के सिंबल में डेविल जो का क्वेस्ट आया था. मैं एक बार चेक करके देखता हूँ कि वो क्वेस्ट ऑप्शनल्स में अवेलेबल है या नहीं. यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है. और असाइंड में देखता हूँ, असाइंड में तो नहीं ही होगा, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. इससे पहले कुछ और हो, एक बार बोटानिकल वाले से अपने सारे हार्वेस्ट कलेक्ट कर लेते हैं. You all good? Listen, I have a favor to ask. You're close with the Third Fleet Master, aren't you? There's this place I want to go, so I asked her to take me there, in the airship. But a monster encounter put a stop to us taking the airship down.
I've set up a quest to resolve the situation. It's called Talents of Fire and Ice. If I'm going to make the ancient tree any larger, then I simply must get where I'm trying to go. I hope you can help. It would be truly unfortunate for everyone if I was to become some monster's dinner out there. Don't let us down now. Ire, Talents of Ire and Ice. तो यार हार्वेस्ट में पहले कर लेता हूँ कलेक्ट टेक ऑल. देखते हैं कुछ और आया कि नहीं. तो यार हार्वेस्ट मैंने कर लिया है कलेक्ट. इसका ये मतलब है कि मैं और मेगा पोशंस क्राफ्ट कर सकता हूँ. तो टैलेंट्स ऑफ आयर एंड आइस इस बंदे का क्वेस्ट कर लेते हैं. दिख नहीं रहा मुझे. हाँ ये रहा. और कोरल हाईलैंड्स में ये क्वेस्ट टेक प्लेस होने वाला है. तो इसमें है एक लेगियाना और दूसरा है ओडोगारोन. तो लॉन्ग सोर्ड उन दोनों के लिए सही वेपन मैच होना चाहिए एटलीस्ट मेरे हिसाब से. और अगर मैं ये क्वेस्ट कंप्लीट करता हूँ तो जैसा कि चीफ बोटानिस्ट ने कहा एक और स्लॉट अनलॉक हो जाएगा कल्टीवेशन के लिए. इसके दोनों रूट्स को ही मैंने डॉज रोल कर लिया और अब मैं इसको कर दूंगा टेंडराइज. और देख सकते हो मुझे डैमेज नहीं गया लेकिन ब्लाइट जरूर लग गया. डैमेज इसलिए नहीं गया क्योंकि मैंने अटैक को फोर साइट कर लिया. ओल्ड इलेक्ट्रिफाइड फर कुछ तो भी नया है. और देख सकते हो कितनी अच्छी किस्मत थी मेरी उस टाइम पे जो यूजुअली होती नहीं है. तो एक और बार मैंने इसको कर दिया है स्टन. अब स्टार्ट करता हूं इसको अटैक करना. 4 साइट कॉम्बो कंप्लीट. 4 रोल. वो ही वेट करना चाहिए था. सेकेंड स्पिरिट गेज हो चुका है फुल. बहुत ही स्टाइल से मैंने उसके उस अटैक को डॉज किया. वेपन शार्पनेस भी कम हो चुकी है तो थोड़ा मौका लेके शार्पनेस को कर लूंगा मैं इंक्रीज. तब तक बिल्ला संभालेगा. Nice shot. बहुत ही बढ़िया काउंटर का सीक्वेंस था वो अगर तुमने नोटिस किया तो. पहले तो उसको मैंने किया हवा में अटैक और उसी के अटैक करते टाइम मैंने उसको अपने अटैक से एक बेहतरीन जवाब दिया और लेगियाना खत्म. तो पहला हंट हो चुका है खत्म. अब जाना है मुझे ओडोगारोन के पास. पहले इसको लूट लेता हूं. ओल्ड इलेक्ट्रिक फर ये पक्के से कोई तो भी नए एल्डर ड्रैगन की निशानी होगी क्योंकि ब्लू कलर का कुछ तो भी ब्लू कलर का स्काउट फ्लाइज है यहाँ पे.
तो कहीं पर भी जब ब्लू कलर के स्काउट फ्लाइज दिखते हैं तो समझ लेना कि एल्डर ड्रैगन की निशानी है। जाने से पहले थोड़े माइनिंग कर लेते हैं। नाइस, और चल लेते हैं ओडोगेरोन की तलाश पे। थोड़ी और माइनिंग। लेगियाना, उसको तो अभी अभी हमने खत्म किया, बट विगली लीच मिल चुका है, ये मुझे देगा थोड़ा सा स्टैमिना बूस्ट। गाजल आकाश, यहाँ पर एक और हर्ब मिला हुआ है मुझे, तो ये मैं कर लेता हूँ कलेक्ट। और थोड़े से इलेक्ट्रिक फर, नाइस। तो एल्डर ड्रैगन अभी मुझे जो जो मिल चुके हैं वो है, सबसे पहला तो था नरगी कांटे, जिसका कोई एलिमेंट तो नहीं था लेकिन उसमें सिर्फ रॉ पावर थी। अभी इलेक्ट्रिक फर मिल रहा है तो पक्के से थंडर ड्रैगन से रिलेटेड कुछ होगा। टेओस्ट्रा जो था वो फायर ड्रैगन था, और कुशाला डावरा जो था वो एयर एलिमेंट का था। इसे देखो, कैप्टन नाइकॉन, 4K में स्क्रीनशॉट्स लेने वाले। खैर इसको जाने देते हैं, सर्च करूंगा मैं ओडोगेरोन के लिए, लेकिन उसके फुटप्रिंट्स नाइस। फुटप्रिंट्स मिल नहीं रहे, हाँ शायद मिलना शुरू हुए ओडोगेरोन। सामने ही ओडोगेरोन था, इसको मैं कर लेता हूँ वॉल बैंक। नाइस, फोरसाइट, डॉज, फोरसाइट, शॉट्स में कनेक्ट, नॉट बैड। फोरसाइट, बढ़िया फोरसाइट था वो, और शॉट कनेक्ट हुआ। स्पिरिट केज हो चुका है फुल। हेल्म ब्रेकर की बारी, नाइस वन। पोजीशनिंग चेंज कर रहा है ओडोगेरोन अपनी। इसी टाइम पे मैं अपना वेपन भी शार्पन कर लेता हूँ। ओके, तो जैसा कि तुम देख सकते हो, नरगी कांटे का जो आर्मर है, जैसे जैसे मैं अटैक कर रहा हूँ, कुछ अटैक्स के बाद जो हेल्थ है वो टॉप अप होती जा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी पैसिव स्किल है। जितना ज़्यादा अटैक करोगे उतना ज़्यादा हेल्थ बढ़ेगा, और इसलिए मैंने मील भी नहीं किया इस बार, क्योंकि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में आया हूँ टू बी ऑनेस्ट। बढ़िया टाइमिंग, देता हूं मैं इसको अभी हेल्म ब्रेकर। यार हेल्म ब्रेकर मिस हो गया, फिर से एक टॉपल मिला है मुझे। द
धन्यवाद भाकड़ बिल्ले। टाइम फॉर हेल्म ब्रेकर। और ऑडो गैरून हो चुका है फिनिश। उस पहले हेल्म ब्रेकर के मिस होने का बहुत बुरा लगा, अगर वो लग जाता तो और दो तीन शॉट्स में ही ऑडो गैरून खत्म होना था, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो यार शायद मास्टर रैंक ओडो गैरोन को मैंने हंट करा नहीं था, सिर्फ लोअर रैंक पे ही मैंने ओडो गैरोन को हंट करा था, तो शायद ये पहला मास्टर रैंक ओडो गैरोन है। खैर जो भी है, इसके लूट की वैसे ज़्यादा भी ज़रूरत है नहीं तो जान ही देते। और हो चुका है ये क्वेस्ट कंप्लीट। होपफुली अभी बोटानिस्ट के पास मेरे लिए एक और क्या कहते हैं स्लॉट होगा, और मुझे मिला स्पेसिमेन ज्वेल और फ्लाइट ज्वेल। तो फ्लाइट ज्वेल का बेसिकली काम यह है कि जो थ्रेशोल्ड होता है, डैमेज थ्रेशोल्ड, जब तुम कोई भी एयरबोन अटैक करते हो उस थ्रेशोल्ड को थोड़ा कम कर देता है, यानी कि वैसे थ्रेशोल्ड कम नहीं होता लेकिन अटैक को बढ़ा देता है ताकि थ्रेशोल्ड जो है वो जल्दी से पूरा हो जाए। तो चलते एक बार बोटैनिस्ट के पास, कर लेते बात इससे। और यस, ट्री हो चुका है और ज़्यादा बड़ा, इसका मतलब मैं इसमें और ज़्यादा पौधे उगा सकता हूँ। नाइस। Thank you. Look how much the ancient tree has grown. I knew a sack of the stuff would produce quick results. What? You'd like to know if I have been doing my part while you were away? And you don't understand why the tree has grown so suddenly? Well, I suppose I could tell you. It's the soil. I collect soil from the rotten vale. We have already talked about how each Elder Crossing coincides with sudden bursts of growth in the New World's vegetation, yes? The reason the Elder Dragons go to Rotten Vale is to die there. So I decided to try collecting soil samples and see if they have an effect on the tree. So technically it's not destroyed the facility. The commander is not going to be happy about this. I don't think he's over the whole almost blowing up Astera mishap from last time. Oh well, he'll just have to deal. The good news is, now that ancient tree has grown, we can handle more requests than ever. I hope you're taking advantage of it. Consider it a way to help me further my research. तो यार एक और स्लॉट मिल चुका है जैसे तुम देख सकते हो, और इस स्लॉट में मैं डालना चाहूँगा ब्लू मशरूम, क्योंकि बिटरबग और ब्लू मशरूम को मिलाने से बनते हैं न्यूट्रिएंट्स, और उन न्यूट्रिएंट्स को अगर मैं मिक्स करता हूँ मैग्नाडोरा मशरूम के साथ तो उससे बनता है मैक्स पोशन। तो यार आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ तुमको एपिसोड पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ आज का एपिसोड कैसा लगा तुमको, आज का एल्डर ड्रैगन तुमको कैसा लगा, और मैं तुम्हें मिलता हूँ मॉन्स्टर हंटर के अगले एपिसोड पे। अलविदा।